Now we are going to discuss the seventh quality control tool. It is called stratification. Stratification means to divide the data into different layers. Strata basically geology में जमीन की मुख्तफ लेयर्स को रिप्रजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम डाटा को मुख्तफ लेयर्स में या मुख्तफ अंदाज से रिप्रजेंटेशन करना चाहेंगे फॉर example, अगर अभी हम लेट arrivals की बात कर रहे थे इसी एक ही डाटा को अगर आप जेंडर वाइज अरेंज करना चाहें अगर आप एक्सपीरियंस के साथ की अरेंज करना चाहें तो हम मुख्तलिफ लेयर्स में अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन केस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रेटिफिकेशन जनरली मीन्स टू डिवाइड डाटा इंटू सेवरल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन फैक्टर्स और टेंडेंसीज जैसे टाइप ऑफ डिफेक्ट या कॉज ऑफ डिफेक्ट वगैरह वगैरह डिवाइडिंग टू ग्रुप्स फासरस्टैंड सिचुएशन दिस रिप्रजेंट द बेसिक प्रिंसि क्वालिटी कंट्रोल स्टेटिफिकेसन इज़ ए सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स मुख्तलिफ तरीक़ार से हम इसे एक्सप्लन कर सकते हैं जैसे एलैब्स ऑफ टाइम टाइम के साथ अगर आप स्टाटा बनाएं या अपने डाटा को अरेंज करें तो आर्ली क्या फ़र्क आ रहा है देखा जा सकता है ए एम या पी एम यानी इवनिंग या, या मॉर्निंग में क्या फ़र्क आ रहा है डाटा में इमिजिएटली आफ्टर स्टार्ट ऑफ वर्क शिफ्ट डे टाइम या एक वीक में क्या फ़र्क आ रहा है किसी महीने के किसी ख़ास हफ्ते के अंदर डाटा में कोई अब नॉर्मैलिटीज़ पाई जा रही हैं या पूरे साल का डाटा अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो उसमें किसी ख़ास महीने में कुछ ऑब्ज़रवेशन हैं तो हम उसे को रिलेट कर सकते हैं कि क्या वजूहत थी उस ख़ास महीने में या उस ख़ास वीक में हमारे बिजली की शॉर्ट फॉल का कोई मसला था या गर्मी या टेम्परेचरस का कोई मसला था कि किस वजह से क्वालिटी कंट्रोल में कोई अलेब्स आया है डाउनफॉल आया है इसी तरह वेरिएशन अमंग वर्कर्स के वर्कर वर्कर ए वर्कर बी इसकी बेसिस पे आप अलग अलग करना चाहें डाटा को या उनकी एजेस पर या मेल फीमेल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उनकी शिफ्ट के सुबह में या शाम में किसी वर्कर ए की है लेकिन सुबह या शाम में उनकी एक्टिविटी में क्या फ़र्क आ रहा है तो हम अपने डाटा को वर्कर के हवाले से मुख्तफ अंदाज से स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं वेरिएशन अमंग वर्क मैथड्स के प्रोसेसिंग मैथड अगर चेंज हो तो कैसे फ़र्क आता है वर्किंग कंडीशंस चेंज होने से टम्परेचर के चेंज होने से कोई फ़र्क पड़ता है तो हम मुख्तलिफ़ मेथड के मुख्तलिफ फॉर्म में चेंजेस से ऑब्ज़रवेशन ले सकते हैं और वेरिएशन अमंग मेजरमेंट या इंस्पेक्शन मेथड्स के मेजरमेंट टूल या जो पर्सन परफॉर्मिंग मेजरमेंट किसी बंदे की परफॉर्मेंस से फ़र्क आ रहा है या मेजरमेंट के टूल से फ़र्क आ रहा है तो हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन से हमें आ, कुछ वेरिएशंस देख सकते हैं हम मुख्तलिफ़ कंडीशंस को वेरी करके और ऑब्ज़रवेशन बेहतर बना सकते हैं कि पर्सनैल ए बी सी में कोई फ़र्क है उनकी वर्किंग में फ़र्क है या सुबह शाम में पर्सनैल तो चेंज हो रहे हैं लेकिन सुबह और शाम की वर्किंग में डिफरेंस आ रहा है शाम में मे बी उनका एनर्जी लेवल उतना बैलेंस नहीं है या वीक के किसी ख़ास दिनों के अंदर जैसे वीक एंड पर परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है इस तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम इसके साथ मैनेज करके देख सकते हैं तो परफॉर्मिंग ए कॉज एनालिसिस यूजिंग स्ट्रेटिफिकेशन डाटा हमें ज़्यादा आसान हो जाता है कि अपने रिजल्ट्स को अकम्पलिश करें और फोकस कर सकें कि कहाँ से स्टार्ट करना है